हरे कृष्णा, आप सभी को आज के पावन अवसर दिवाली त्योहार की शुभकामनाएं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो विश्व भर में बड़े उत्साह के संग मनाया जाता है। जब मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे कि कैसे दिवाली के दिन सभी सगे संबंधी फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स एक दूसरे के घर पे जाया करते थे, प्रसादम ग्रहण करा करते थे, गिफ्ट लेकर जाया करते थे। एक प्रकार से दिवाली का त्यौहार एक फैमिली रियूनियन जैसा फेस्टिवल था। साथ ही साथ इस दिवाली के अवसर पर शाम को लक्ष्मी पूजा हुआ करती थी, दिए जलाए जाते थे, जहाँ रात के समय हर व्यक्ति अपने घर पर, हर जगह छत पर, बरांडा, जहाँ पे भी खुली जगह होती थी, वहाँ पे कैंडल्स या घी के दिए, ये आज के तारीख में तेल के दिए इत्यादि लगाए जाते थे। स्वीट्स बांटी जाती थी और उसके साथ साथ पटाखे भी फोड़े जाते थे। तो ये जो दिवाली का त्योहार है, ये क्या है? आज के इस सत्र में, छोटे से एपिसोड में, हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं, उसका क्या महत्व है, और ये जो दिवाली त्योहार है उसको कैसे समझना और उसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति के मार्ग पर चलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी पूजा की। वैदिक संस्कृति, वैदिक विज्ञान के अनुसार माता लक्ष्मी और गॉडेस लक्ष्मी धन की रिप्रेजेंटेटिव या गॉडेस बताई जाती है। लोग ज्यादातर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं ताकि धन संपत्ति घर आवे। जैसे प्रसिद्ध भजन है जो गाते हैं लक्ष्मी पूजा वाले दिन सब सामान्य लोग, कि हमारे घर पे धन संपत्ति इत्यादि आए, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करी जाती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार भगवान परमेश्वर, परम भगवान, परम ब्रह्मा, वो दो प्रकार से अवतरित होते हैं, एक पुरुष के रूप में और एक स्त्री के रूप में, जो दोनों से ही अभिन्न है। इसलिए वैदिक संस्कृति में सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, इस प्रकार से भगवान की पूजा आराधना की जाती है। तो वैदिक विज्ञान और संस्कृति के अनुसार भगवान की पूजा और आराधना कभी अकेले नहीं करी जाती। तो जब व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा या आराधना सिर्फ अकेले करता है, नारायण को छोड़कर, तो सम बताया जाता है कि लक्ष्मी चंचल स्वभाव की है। तो हो सकता है उसकी भौतिक इच्छा धन संपत्ति की पूर्ण कर माता लक्ष्मी पूर्ण कर दे, पर वो धन और संपत्ति उस व्यक्ति के संग हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता, चंचल स्वभाव के कारण। पर जब व्यक्ति लक्ष्मी और नारायण की साथ में पूजा आराधना करता है, तब माता लक्ष्मी उस व्यक्ति को दो प्रकार के वरदान या दो प्रकार की ब्लेसिंग्स देती हैं। पहली ब्लेसिंग उसकी भौतिक इच्छा धन संपत्ति, सही बात है, सबको आवश्यकता होती है अपने जीवन को संभालने के लिए, अपने परिवारजनों की सेवा करने के लिए, अपने पोषण के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता लगती है। परंतु धन और संपत्ति अपने में पूर्ण नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, इफ यू हैव वेल्थ बट नॉट हेल्थ, क्या आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं? या हिंदी में कहा जाए, आपके पास धन हो पर अगर आपका मन बड़ा ही चिंतित और विचलित हो, तो क्या अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकेंगे? सो आपको ये भौतिक धन तो प्राप्त हो सकता है, पर समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त नहीं होगी। वो तभी मिलेगी जब व्यक्ति लक्ष्मी नारायण की, दोनों की एक साथ पूजा आराधना करे। तो पहली चीज लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जो व्यक्ति को प्राप्त होती है, वो है धन, साथ ही साथ समृद्धि। दूसरी चीज जो प्राप्त होती है लक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से, वो है आध्यात्मिक धन। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, जीव कौन है? ममैवांसो जीवलोका जीवभूता सनातनः। जीव भगवान का अंश है और जीव का मूल रूप भगवान की सेवा करना है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करता है, तो उसको लक्ष्मी का दूसरा वरदान आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है, जहाँ उस व्यक्ति को एहसास होता है, समझ आती है कि मेरे जीवन का मूल तत्व क्या है और मुझे किस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में ही दो तत्व बताते हैं, एक स्वाधर्मा, एक नित्य धर्म। स्वाधर्मा अपने शरीर, अपने परिवारजनों के पोषण रक्षा करने हेतु, और नित्य धर्मा
अपना और भगवान के संग संबंध जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार व्यक्ति अगर आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है तो वो भौतिक धन साथ ही साथ आध्यात्मिक धन को प्राप्त कर सकता है। एक बार फिर, इफ यू हैव वेल्थ बट नॉट हेल्थ, तो आप कभी भी उस धन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो केवल धन की आशा मत करिए, धन के साथ साथ भौतिक धन के साथ साथ आध्यात्मिक धन के लिए भी चेष्टा करें, तभी व्यक्ति के जीवन में सही मायने में समृद्धि आएगी और उसी प्रकार हमारा लक्ष्मी पूजा जो हम करते हैं वो सफल होगा। हरे कृष्णा। तो ये संक्षिप्त में बात थी लक्ष्मी पूजा की। अब प्रश्न बनता है, दिवाली का त्यौहार क्या है, दिवाली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। रामायण, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, भगवान राम को कैकेयी के कहने पर दशरथ महाराज ने 14 साल का वनवास की सजा दी थी और वो आज का दिन है। 14 साल के बाद भगवान राम, सीता, राम, लक्ष्मण, उनके साथ हनुमान इत्यादि भक्त, वो आज के दिन अयोध्या में वापस आते हैं। और जैसे ही अयोध्या वासी भगवान राम का दर्शन लेते हैं वो इतने ही उत्साहित हो जाते हैं, उस खुशी में वो पूरे अयोध्या में दे सेलिब्रेट फेस्टिवल ऑफ लैम्प, पूरे अयोध्या को बहुत सजा दिया जाता है और साथ ही साथ दिए जलाए जाते हैं पूरे अयोध्या में। दिए, लाइटिंग अप ऑफ लैम्प, उसका क्या महत्व। जब सूर्य उदय होता है अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो ये दिए जलाने का मतलब क्या है, जब भगवान राम 14 साल पहले वनवास के लिए चले जाते हैं तो अयोध्या वासी, अयोध्या नगरी के सभी वासी बड़े ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और साथ साथ राम के संग जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु राम, आपके पिता हमारे राजा दशरथ महाराज ने आपको कहा है कि आप अयोध्या छोड़ के चले जाइए, वन में चले जाइए, हम भी आपके संग आएंगे क्योंकि जहां आप वहीं हमारी अयोध्या है, आप वन में रहेंगे तो हम भी आपके संग आके रहेंगे। तो उस प्रकार बताया जाता है कि अयोध्या नगरी एक भूत नगरी के समान हो गई थी, वहाँ कोई भी नहीं था, अंधकार छा गया था, सब हताश हो चुके थे। परंतु भगवान राम सभी अयोध्या वासियों से विनती करते हैं कि कृपा करके आप वापस जाएं। और इस प्रकार अयोध्यावासी वापस भी आ जाते हैं, पर बताया जाता है कि 14 साल तक उनके जीवन में एक प्रकार का अंधकार, भगवान से सेपरेशन, विप्रलंबा का भाव इस प्रकार था कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार के सुख और शांति का एहसास नहीं था। तो जब भगवान राम वापस आते हैं अयोध्या में 14 साल के वनवास के बाद, उस खुशी के उस अवसर पर उन्होंने हर जगह दिए जलाए। मतलब क्या है, जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधकार हट जाता है, तो जैसे ही भगवान या भगवान हमारे हृदय में दोबारा आते हैं या हमारा भगवान के संग रिश्ता जुड़ता है तो हमारे जीवन से हर प्रकार की इनऑस्पिशियसनेस खत्म हो जाती है। अब प्रश्न बनता है, इस कहानी का आज मेरे जीवन से क्या महत्व है। अयोध्या, आचार्य वह समझाते हैं, अयोध्या हमारे हृदय के समान है, भगवान राम हमारे हृदय में राज करने वाले परम भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम है जो हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। कैकेयी हमारे मन में आने वाली गलत फहमियां, मिसकॉन्सेप्शंस, जो व्यक्ति को नास्तिक के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर देती हैं। जब इस प्रकार अपना व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है नास्तिकवाद के मार्ग पर चलकर, तो वह अपने हृदय में विराजमान भगवान राम को इस अयोध्या नगरी से वनवास के लिए भेज देता है। तो जब अयोध्या छोड़कर भगवान राम चले जाते हैं तो अयोध्या में पूर्ण रूप से अंधकार छा गया था, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में जब उसका संबंध भगवान के संग टूट जाता है, उस समय उसके मन में केवल काम, क्रोध, लोभ इत्यादि प्रकार के भूत पिशाच राज करते हैं। इसी प्रकार अयोध्यावासी, जो कि इस जीव के संग कंपैरिजन करा गया है, जब अयोध्यावासी भगवान राम के एब्सेंस में, विरह में, अकेलापन, अशांति, हताश, निराशा इत्यादि चीजों का एहसास कर रहे थे, उसी प्रकार ये जीव हर प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त करके भी कभी भी मन की शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। कहा गया है, व्यक्ति जीवन में एक बार चिता,
की अग्नि में जलता है, परंतु चिंता की चिता में या चिंता की अग्नि में बार बार सदैव जलता है। परंतु अयोध्या वासी और हमारे अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। अयोध्या वासी जानते थे उनकी निराशा का कारण क्या है, भगवान राम चले गए हैं, वनवास के लिए चले गए हैं, पर वो कभी भगवान को भूले नहीं थे। परंतु ये जीव जब इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करता है और जब अपने जीवन में अकेलापन, निराशा इत्यादि भावनाओं का एहसास करता है, तो वो भगवान की तरफ मुख ना मोड़कर अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति हेतु और प्रयत्न करने लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुखयोनि वते आदि अंतवंत कौन्तेया नातेषु न मते बुधः। जितना व्यक्ति भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है, सिर्फ वो दुख को ही जन्म देता है। और इस प्रकार अज्ञानता पूर्ण व्यक्ति अज्ञानता के या ज्ञान के अभाव में भौतिक इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है और कभी भी अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सो हिस्टोरिकली दिवाली का मतलब क्या है, जब अयोध्या में भगवान राम वापस आते हैं, उसी प्रकार हमारा ये दिवाली का जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करना तभी पूर्ण होगा जब हम तीन विषयों पे ध्यान देंगे। सबसे पहला विषय चिंतन करना, क्यों मेरे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना है, कपड़े पहनने के लिए, जीवन की सुरक्षा का सब इंतजाम हो चुका है, जॉब भी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, फिर भी सब कुछ प्राप्त होने के बाद जिसकी आशा हर माँ बाप अपने बच्चे को बचपन में देते थे कि बड़े होकर तुम्हें सफल बनना है और सफलता की परिभाषा इसको बताया जाता था, आज सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी क्यों व्यक्ति निराश, क्यों व्यक्ति अकेलेपन का एहसास करता है, इस विषय के ऊपर चिंतन करना। दूसरी चीज, जब व्यक्ति इस प्रकार की हताश भावनाओं से पीड़ित होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण वो भगवान की तरफ ना मुड़कर भौतिक इच्छाओं की तरफ दौड़ता है। तो क्या कोई व्यक्ति जो भगवान के संग संबंध तोड़कर अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा है, क्या कभी किसी को सफलता या समृद्धि प्राप्त हुई है? कितना ही धन क्यों ना मिल जाए, वो सुख कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन विषयों के ऊपर चिंतन करना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर दिवाली को पूर्ण या एक प्रकार से सही मायने में सेलिब्रेट करना है, तीसरी चीज, जो दो पहले विषय थे वो हमारे ज्ञान के अभाव के कारण थे, तो इसलिए तीसरा विषय है ज्ञान को प्राप्त करना, आध्यात्मिक ज्ञान। आज के इस पावन अवसर पर हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं कम से कम अपने जीवन में प्रतिदिन 15 से 20 मिनट निकालकर भगवद गीता, रामायण इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करूँगा, ताकि मुझे भगवान के बारे में ज्ञान मिले और मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है उसका ज्ञान मुझे प्राप्त हो। यूटिलाइज टुडेज ओकेजन टू री एस्टैब्लिश वंस रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। आज के इस पावन अवसर का उपयोग करिए अपना भगवान के संग रिश्ता जोड़ने में, और साथ ही साथ शास्त्र अध्ययन, और शास्त्र अध्ययन का जो निष्कर्ष है, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार नाम जप करके भगवान के संग संबंध जोड़ने का प्रयत्न करें। अंतिम बात, जब आज शाम को आप अपने छत पर दिए जलाने जाएं, उस समय अपने मन को प्रज्वलित करना मत भूलिएगा भगवान के ज्ञान और भगवान के प्रेम से। अगर आप ऐसा करते हैं तो सही मायने में आपने दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट करा है। तो आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के पावन समय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू।